हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय प्रोजेक्ट एचडी पर। जैसा कि हम हमारी इस सीरीज में लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर एक वेबसाइट बना रहे हैं पीएचपी एचटीएमएल और सीएसएस करके, तो हम इसे आज कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में हमारे डेटाबेस से इन बुक्स को डिस्प्ले किया था। आज हमें इन बुक को परचेस करने के लिए इस पर वर्क करेंगे कि कोई भी यूजर अब जब इस वेबसाइट पर आएगा तो बुक परचेस करेगा, तो बुक परचेस किस तरह से करेगा। तो आज हम इन इमेजों पर कुछ एक्शन लगवाएंगे। तो मैं आता हूँ यहाँ पर, और जो हमारी इमेज है, हमने इमेज डिस्प्ले इस जगह पर करा रखी है, तो इसे हम एंकर टैग में कवर करेंगे। तो जो हमारी इमेज रहेगी उसे हम एंकर टैग में रखेंगे। तो इसे हम एंकर टैग में ले लेते हैं, यहाँ पर एंकर टैग, यहाँ पर एंकर टैग href इक्वल टू सिंगल कोडेट, देन इसके बाद हम इसको यहाँ पर क्लोज कर लेंगे। इंकर टैग को यहाँ पर हम क्लोज कर देते हैं। इस तरह से हमारा इंकर टैग बन चुका है। देन इसके बाद हम एक और चीज कर लेते हैं कि हम यहाँ से इसे कॉपी करके एक और वेरिएबल ले आते हैं कि जो हमारी आईडी होगी, बुक की जो आईडी होगी हम वो भी ले लेते हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर मैं आईडी स्टोर करा लेता हूँ। आपको मैं आईडी बता देता हूँ डेटाबेस में, हमारी डेटाबेस में आईडी हर बुक की एक यूनिक आईडी है। तो आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि देखिए ये 5, 6, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हर बुक की एक यूनिक आईडी है। तो इसके थ्रू हम किसी भी बुक्स को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने वो आईडी वेरिएबल के अंदर ली है। तो हम यहाँ पर आते हैं और ये आईडी वेरिएबल ले लिया है। अब हम इस एंकर टैग में हमारा एक और पेज होगा p.php नाम का एक मैं पेज बनाऊंगा और इसको क्वेश्चन मार्क देकर एक वेरिएबल लेता हूँ मैं आईडी इक्वल टू। इस वेरिएबल को हम पास करेंगे डॉलर आईडी, देन इसे सेव करके हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब आप देखेंगे तो ये एक लिंक बन चुकी है इमेज। आप इमेज के ऊपर जब भी मैं देखिए मेरा माउस पॉइंटर देखिए, इमेज पे मैं जब माउस को होवर कर रहा हूँ तो ये एक लिंक बन चुकी है, हाथ का निशान आ रहा है। अब मैं जब इस किसी भी इमेज पर क्लिक करता हूँ, जैसा कि मैं इस इमेज पर क्लिक करता हूँ, तो ये हमें नए पेज पर ले गया। और आप देख पा रहे होंगे यूआरएल में, आप ध्यान से देखिए तो यूआरएल में पेज का नाम आया, प्लस क्वेश्चन मार्क के बाद देखिए आईडी 8 आ चुकी है। और हम देखते हैं कि आईडी 8 किसकी थी, तो आईडी 8 थी इसकी, ये देखिए ये रही। इस तरह से आईडी स्टोरी मैं चेंज करता हूँ, मैं इससे को कर देता हूँ, तो ये देखिए आईडी 9 आ गई। इस तरह से आईडी, तो इस आईडी के थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं, ये 9 इसकी थी। तो इन आईडियों के थ्रू हम अगले पेज पर इस डाटा को एक्सेस करेंगे, जो भी हमारा डाटा होगा उसको हम एक्सेस करेंगे। तो मैं इस नाम को कॉपी कर लेता हूँ, इस नाम को हम कॉपी कर लेते हैं और इसी पेज को मैं सेव कर लूँगा। तो मैं कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं करने होंगे, हम थोड़ा बहुत चेंज करेंगे और हमारा नया पेज क्रिएट हो जाएगा, तो हमारी वेबसाइट जल्दी कवर होगी। तो इसे हम यहाँ पर सेव करते हैं और मैं इस जगह पर आकर रिफ्रेश करता हूँ, तो हमारा वही पेज आ चुका है। अब हम इस पेज में ही कुछ थोड़ा बहुत करेक्शन करेंगे और इस पर बुक परचेसिंग का पेज बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नए वीडियो अपलोड करें उसकी रिसेंटली अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, इस चैनल के अलावा हमारा एक और चैनल है जिस पर हम प्रोग्रामिंग चिल्ड्रन वीडियो अपलोड करते हैं। तो उस चैनल के लिए आप हमारी इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर शो हो रहा है, myprohd.dx.am। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप इस वेबसाइट पर कैसे जा सकते हैं। तो अपने वेब ब्राउजर के यूआरएल में लिखेंगे myprohd.dx.am और एंटर करेंगे, तो ये आपको हमारी वेबसाइट पर ले जाएगा। इस जगह पर आपको इस तरह की आपको वेबसाइट शो होगी। देन इस वेबसाइट में आप जाएंगे यहाँ कोर्स पर, तो ये पेज ओपन होगा। देन आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोर्स देखेंगे, जैसे कि अभी तक 3 कोर्स है, जैसे सी प्रोग्रामिंग, देन एचटीएमएल और जेक्वेरी। आप इसे ओपन करेंगे तो इस तरह से ओपन होगा। देन आप अगर किसी भी ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं, आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ले जाएगा, जहाँ से आप इसे देख पाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मेरे और भी वीडियो शो हो रहे हैं यहाँ पर। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम आज से एक नया, तो इस तरह से आप जा सकते हैं। देन इसके अलावा जो हमारे इस चैनल पर
प्रोजेक्ट्स जो अभी चल रहा है, जैसे हमारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट की सीरीज है। यहाँ पर हमारे लाइब्रेरी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। देन ये होटल मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इसकी है। तो इस तरह से आपको मिल जाएंगे। तो ये इस वेबसाइट पे भी जरूर विजिट करें, तो आपको इस पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी।